अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। पापू धोती पूछी कर लो। क्यों, भागने में आसानी होगी। ओए, तू होता कौन है घड़ी का हिसाब पूछने वाला? तू लीडर है? नहीं। तू आईटी ऑफिसर है? नहीं। तू जर्नलिस्ट है? नहीं। तो तू होता कौन है घड़ी का हिसाब पूछने वाला? तू होता कौन है? दोस्तों, एक बहुत मशहूर शेर है, आपने सुना होगा, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। और ज्यादातर एक्टर्स के साथ भी ऐसा ही होता है, वो फिल्म इंडस्ट्री में आते तो हैं हीरो बनने, लेकिन जब कामयाब नहीं होते तो सपोर्टिंग एक्टर्स, कॉमेडियन या विलेन बन जाते हैं। और आज जिस एक्टर की बात मैं करने वाला हूं, उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ, और वो हैं द वेटरन एक्टर आसिफ शेख। शर्मीली महबूबा शर्मा के यूं न जा, शर्मीली महबूबा शर्मा के यूं न जा, आओ खेले सनम सनम उनमें सिक्के तुम भी सिक्के हम, मौका भी है तनाई भी उस पे कयामत का आलम। अरे हम तो कह देते, लेकिन तेरा भैया जो है जैसे हमारे सामने आता है परेशान हो जाता है, घबराता है, डरता है, पत्ते की तरह कांपता है। अच्छा, हाँ बोल दिया। हाँ बोल दिया। 11th नवंबर 1964 में पैदा हुए थे आसिफ दिल्ली में एक मुसलमान खानदान में। उन्होंने अपनी स्कूलिंग की सेंट एंथनी स्कूल दिल्ली से और अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की खालसा कॉलेज दिल्ली में। आसिफ का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। आसिफ के पेरेंट्स चाहते थे कि आसिफ पढ़ लिख कर कोई अच्छा सा जॉब करें। आसिफ भी यही चाहते थे और उन्हें एक्टिंग करने का कोई शौक नहीं था। लेकिन जब वो कॉलेज में थे तो उनके कुछ दोस्त थिएटर में प्लेस करते थे। उनको एक्टिंग करते हुए देखकर आसिफ भी थिएटर की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और आसिफ ने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और उसमें कई प्लेस किए। उसी दौरान 1984 में हिंदुस्तान का पहला टीवी सीरियल प्लान किया जा रहा था। सीरियल का नाम था हम लोग और हम लोग के ऑडिशन चल रहे थे। आसिफ ने सोचा क्यों ना अपनी किस्मत आजमाई जाए। उन्होंने भी ऑडिशन दिया और ऑडिशन में सिलेक्ट हो गए और बन गए इंडिया के पहले टेलीविजन सीरियल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा। आसिफ का एक्टिंग करियर तो शुरू हो गया था, लेकिन आसिफ को तो फिल्मों में हीरो बनना था, इसलिए वो दिल्ली से मुंबई आ गए। आसिफ को लगा था कि हम लोग की कामयाबी के बाद उन्हें बड़ी आसानी से फिल्मों में काम मिल जाएगा, लेकिन वो गलत थे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आसिफ को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। फिल्में नहीं मिली तो टीवी सीरियल्स के लिए भी स्ट्रगल किया, लेकिन टीवी सीरियल्स भी नहीं मिले। आहिस्ता आहिस्ता आसिफ की उम्मीदें और पैसे खत्म होने लगे। आसिफ ने वापस दिल्ली जाने का फैसला कर लिया। अब आसिफ को ऐसा लगने लगा था कि उनके फ्यूचर में अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन उसी दौरान आसिफ को एक रोशनी की किरण नजर आई जब मिर्जा ब्रदर्स की तरफ से उन्हें एक फिल्म ऑफर हुई और वो भी मेन लीड में। फिल्म का नाम था रामा ओ रामा, जो आई थी 1988 में, और इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग बहुत मशहूर हुआ था, रामा ओ रामा तूने ये कैसी दुनिया बनाई। दोस्तों, ये फिल्म यानी रामा ओ रामा बुरी तरह फ्लॉप हुई, लेकिन फिर भी आसिफ ने कुछ और फिल्में साइन कर ली, जैसे कयामत की रात, मुकद्दर का बादशाह, प्यार का सौदागर और यारा दिलदारा। यारा दिलदारा में
आसिफ पे एक गाना पिक्चराइज हुआ था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, और वो गाना आज भी बहुत फेमस है और लोगों को बहुत पसंद आता है। और गाने के बोल हैं, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी, आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। आसिफ ने कुछ फिल्मों में मेन लीड के रोल्स तो किए लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इसकी वजह यह थी उनके कंटेम्प्रेरीज थे सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, और आसिफ ये तीनों खानों के सामने टिक नहीं पाए। नतीजा ये निकला कि आसिफ को काम मिलना कम हो गया और आसिफ ने फिल्म इंडस्ट्री में बने रहने के लिए मजबूरन सपोर्टिंग रोल्स करने शुरू कर दिए। मैं नहीं मानता इस समाज को, मुझे नहीं रहना इस समाज में जो समाज मेरी निर्दोष बहन को मुजरिम समझता हो। आसिफ ने सपोर्टिंग रोल्स में अलग अलग किस्म के रोल्स निभाए, जैसे कॉमेडी रोल्स भी किए और नेगेटिव रोल्स भी किए। ईमान बना बैठा है, अपना बाप का आप ही समझा है। अबे इंस्पेक्टर, आराम ज्यादा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है। बचाओ, क्या हुआ? तुमने इस भूती को पानी लेके क्यों भेज दिया? क्यों? मुझे घूर घूर के देख रही थी ना, घूर घूर के देखो 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 भूती गई थी। आसिफ फिल्मों में काम तो कर रहे थे लेकिन अपने करियर से मुतमईन नहीं थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना छोटे पर्दे को यानी टेलीविजन को दोबारा आजमाया जाए, और उन्होंने टीवी की तरफ रुख किया। उन्होंने कुछ सीरियल्स भी किए लेकिन उन्हें असली शोहरत मिली 1999 में, जब उनका एक सीरियल आया यस बॉस, जो बहुत कामयाब था। यस बॉस के बाद देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर आसिफ शेख, वो टेलीविजन के स्टार बन गए थे। जो स्टारडम उन्हें फिल्मों में नहीं मिला वो स्टारडम उन्हें टेलीविजन सीरियल्स दे रहे थे। अब आसिफ टेलीविजन को ज्यादा टाइम देने लगे, फिल्में तो कर रहे थे बट द फर्स्ट ऑप्शन वॉज टेलीविजन। एक वक्त ऐसा था जब आसिफ के पास कोई काम नहीं था, लेकिन यस बॉस के बाद आसिफ के पास काम ही काम था। और उसके बाद 2015 में एक ऐसा टेलीविजन सीरियल आया जिसने आसिफ के स्टारडम में चार चांद लगा दिए। सीरियल का नाम था भाभी जी घर पर हैं। इस सीरियल में उनके कैरेक्टर का नाम था विभूति नारायण, जो लोगों को बहुत पसंद आया। और दोस्तों हम आपको बता दें कि 2015 से लेके आज तक ये सीरियल चल रहा है। 1989 में आसिफ ने शादी कर ली थी, उनकी बीवी का नाम है सेवा, उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है आलीजा और बेटी का नाम है मरियम। दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं और उनका बेटा फिल्मों से जुड़ा हुआ है। आज आसिफ अपनी लाइफ से और करियर से बहुत खुश हैं। वो फिल्में कर रहे हैं, टीवी सीरियल्स कर रहे हैं और वेब सीरीज भी कर रहे हैं, और कहते हैं जो कामयाबी मुझे फिल्मों में नहीं मिली वो कामयाबी मुझे सीरियल्स में मिली। और वो मुंबई में रहते हैं अपने परिवार के साथ और बहुत खुश हैं। ऑल द बेस्ट आसिफ। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा, आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।